स्वागत तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए जो टॉपिक लाए हैं हम वो है ये दोस्तों, चलिए देखिए आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में जो टॉपिक है आपका वो पढ़ने वाले हैं आज हम। और देखिए आपको अगर ये आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा क्या, आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम इंस्टॉल, ठीक है। टेलीग्राम कर लो इंस्टॉल, वहां पर सेम जो चैनल का नाम यहां पर है वही जाकर वहां पे सर्च करो और उसको करो ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा पीडीएफ और रोज डेली न्यूज़पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। और न्यूज़पेपर से आपको वो कैप भी मिलेगी, ठीक, वो कैब आपको मिलेगी। तो ये सारे फायदे आपके वहां पर होने वाले हैं, आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्वाइन भी कर लें, बस यही है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अभी तक मैं वीडियो डाल, तो ये जो है ये जो वीडियो है ये हमारे यूनिट 1 की लास्ट वीडियो है। क्या है ये हमारे यूनिट 1 की लास्ट वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अब हमें बंगाल का पढ़ना है कि बंगाल किस तरीके से, बंगाल कैसे अंग्रेजों ने कैसे बंगाल को जीता, किस किन ने अंग्रेजों ने, राइटिंग मेरी बहुत खराब है हिंदी की, तो अंग्रेजों ने बंगाल किस तरीके से जीता तो उसके बारे में आज पढ़ना है। देखिए बंगाल सबसे पहला फर्स्ट प्रोविंस था जो कि ब्रिटिश ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल सेंटर बना, ठीक है। अब वहां पर नवाब कौन था, नवाब सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड एट बैटल ऑफ प्लासी 1700 इतने में। अब देखो एक चीज याद रखना आपको कि एक मिनट, देखिए चलिए तो अब हम मैं बताता हूं आपको कि सेंट्रल वहां पर देखो उस टाइम पे क्या था कि सेंटर में बैठा हुआ था फरुख सियार। कौन था, फरुख सियार। और फरुख सियार ने क्या किया था कि फरुख सियार ने दस्तक दे दिए थे, क्या दिया था, दस्तक, दस्तक दिया था किसको, अंग्रेजों को, ठीक है। फर्रुख सियार ने दस्तक दे दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों को दस्तक दे दिया तो अब अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया, ठीक है, खूब फायदा उठाया और बहुत सारा करप्शन किया। क्या किया, बहुत सारा करप्शन किया। और इस बात से सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, सिराजुद्दौला चाहता नहीं था कि ये सब हो। सिराजुद्दौला ने भाई उनसे लड़ाई मोल ले ली। अब फिर लड़ाई हुई 1757 में, द ग्रांट ऑफ जमींदारी ऑफ 24 प्रगनाज बाय मीर जाफर इन 1757 एंड देन ऑफ बुर्दवान मिडनापुर एंड द चिट्टागु इन चिट्टागांव इन चिट्टागांव इन 1760 बाय मीर कासिम गिव द कंपनी सर्वेंट द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस द ऑफिशियल्स ऑफ द नवाब एंड द पीजेंट्स। देखिए अब ग्रैंड जमींदारी दे दी गई, ग्रैंड जमींदारी 24 प्रगनास की, 24 प्रगनास की ग्रैंड जमींदारी भी दे दी,
भाई मीर का किसने दी थी ये दी हमारे मीर कासिम भाई, मीर कासिम जी ने 1757 में दी थी। और बुर्दवान, मिडनापुर, चिट्टागांव, ये सारे के सारे 1760 में मीर कासिम के द्वारा कंपनी के सर्वेंट्स को दे दिए गए। और इससे क्या, ताकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको खुश किया जा सके, एंड द पीजेंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग प्रिविलेज वाज सिमिलरली मिसयूज्ड। मैंने जो कहा आपको कि जो ट्रेडिंग प्रिविलेज दस्तक दिए गए थे उसका मिसयूज किया अंग्रेजों ने, उसका मिसयूज किया। मीर कासिम फॉलोड सिराज उद दौला एग्जाम्पल्स एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज अटैक्स ऑन हिज सोवरेनिटी। मीर कासिम फॉलोड सिराज उद दौला, सिराज उद दौला को फॉलो किया किसने, मीर कासिम ने, और रिफ्यूज कर दिया किस चीज के लिए, ताकि वो अटैक्स को एक्सेप्ट कर सके। उनकी सोवरेनिटी के लिए अटैक्स जो होंगे उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया और वो भी जाकर भिड़ गया। ही ज्वाइंट बैटल विद द ब्रिटिश एट बक्सर, विद द ब्रिटिश एट बक्सर इन 1764 अलोंग विद द नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर। देखिए उसने क्या किया कि बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है, ब्रिटिश के साथ बैटल ऑफ बक्सर में वो जाकर के लड़ पड़ा 1764 में। उस टाइम पे नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर तीनों एक साथ थे। कौन कौन थे, देखो, बंगाल का नवाब, ठीक, और अवध का नवाब और मुगल एम्परर, जो था, ये तीनों एक साथ मिल गए और ये जाके इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। ठीक है, बैटल ऑफ कौन सा, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा इन्होंने। द कंपनी वॉन एन इजी विक्ट्री। इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने आसानी से विक्ट्री ले ली। द ट्रीटी ऑफ बंगाल इन 1756 इनॉगरेटेड द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। देखिए, अब एक ट्रीटी ऑफ बंगाल हुई 1756 में, जिससे कि डुअल गवर्नमेंट हो गई, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड कंपनी वर्चुअल रूलर। ठीक है, अब उस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव था वो क्या बन गए, गवर्नर बन गए, कहाँ के, बंगाल के गवर्नर बन गए क्लाइव। ठीक, और कंपनी वर्चुअल रूलर बन गई। द नवाब वॉज रूलर, द नवाब वॉज द रूलर मेयरली इन नेम ऑफ हिज आर्मी। नवाब सिर्फ रूलर थे, सिर्फ नाम के रूलर रह गए थे। अब हैड बीन डिसबेंडेड, वो डिसबेंड कर दिए गए। देन द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंडेड ओवर टू डेप्यूटी सूबेदार। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया डेप्यूटी सूबेदार को। हु वुड फंक्शन ऑन द हाफ ऑफ द नवाब। ठीक है, हु वुड फंक्शन ऑन हाफ ऑफ द नवाब बट वुड बी नॉमिनेटेड बाय द कंपनी। अब जो डेप्यूटी सूबेदार था उसको वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो आधे नवाब की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन इसको सेलेक्ट करने वाला कौन होगा, नवाब को, इसको नॉमिनेट करेगी कौन, नॉमिनेट करेगी कंपनी। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों वाली कंपनी। इसको क्या करेगी, इसको अंग्रेजों वाली कंपनी इसको करेगी नॉमिनेट। देखिए, देन द कंपनी हैड डायरेक्ट सेंट्रल ओवर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, कंट्रोल, सॉरी यहां पर कंट्रोल होना चाहिए था। तो जो कंपनी का था जो, वो रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब डेप्यूटी दीवान की वजह से, किसकी वजह से, डेप्यूटी दीवान की वजह से अब कंपनी का जो, कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार था वो कंपनी का हो गया डायरेक्टली। अगर हम देखें तो ऐसे, एज द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू थ्रू द डेप्यूटी दीवान, एज द डेप्यूटी दीवान, एज द ऑफिसर्स ऑफ दीवान एंड सूबेदार वर हेल्ड अ
हेल्ड बाय द सेम पर्सन द कंपनी सेंट्रल वॉज टोटल। ठीक है, अब जो ऑफिस ऑफ दीवान और सूबेदार था वो कौन हेल्ड करता था, एक सेम पर्सन कर रहा था, तो कंट्रोल किसका हुआ, टोटल कंपनी का हुआ। और दोनों को कौन, दोनों को ही नॉमिनेट करती थी कौन, दोनों को नॉमिनेट करती थी कंपनी, कौन करती थी, दोनों को नॉमिनेट करती थी कंपनी। मोरोवर अ ग्रेट ग्रेट एडवांटेज वर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू टू बी विद द नवाब, द ब्लेम फॉर एक्सटॉर्शन एंड ऑपरेशन वॉज बाय द कंपनी सर्वेंट्स फेल ऑन नवाब। अब देखो, नाम का रूलर कौन था, नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए रूलर था नवाब। अब रूलर तो नवाब है, अब करप्शन कौन करेगा, करप्शन करेंगे अंग्रेज। ठीक है, करप्शन करते हैं अंग्रेज, और बदनाम कौन होगा, बदनाम होगा नवाब। ये पॉलिसी इन्होंने रखी है अपनी। ठीक, द ब्लेम ऑफ एक्सटॉर्शन, क्या लिखा हुआ है, द ब्लेम ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का जो ब्लेम था वो किसके ऊपर जाने लगा, वो कंपनी के सर्वेंट के ऊपर ना जा करके नवाब के ऊपर जाने लगा। क्यों, क्योंकि जो भी एक्सटॉर्शन और ऑपरेशन जो भी कंपनी सर्वेंट करते थे उसका सारा का सारा जिम्मा किसके ऊपर जाता था, वो नवाब के ऊपर जाता था, क्योंकि नवाब ही तो रूलर थे। लेकिन लोगों को क्या पता कि वो तो सिर्फ नाम के रूलर हैं, वो तो सिर्फ नाम के रूलर हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 5.7 मिलियन वर टेकन अवे फ्रॉम द बंगाल इन द ईयर 1766 टू 1768। ऐसा माना जाता है कि 1766 से 1768 के बीच में 5.7 मिलियन सिर्फ बंगाल से लिए गए। ठीक है, सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल इंक्लूडिंग क्लाइव एडमिटेड दैट अनटोल्ड माइजरी ऑफ पीपल ऑफ बंगाल। सीनियर ब्रिटिश क्लाइव, अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव खुद ही एडमिट करते हैं कि लोगों की कितनी लालच थी बंगाल के लोगों में। ठीक है, सॉरी बंगाल के लोगों में नहीं, मतलब वहां पर जो अंग्रेज थे उनका कितना लालच था, और लालच के लिए बहुत कुछ वो करते थे। देखिए, अब द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड सुपरवाइज दैट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, अब गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, अब गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगी कहां का, बंगाल का, और सुपरवाइज दैट ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास, और बॉम्बे और मद्रास को भी सुपरवाइज करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज सेट अप। अब सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया कहां पर, कैलकटा में, टू एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोस्पेक्ट्स। अब ब्रिटिश परस्पेक्ट के हिसाब से जस्टिस होगा। अब जो पहले के कोर्ट्स जो थे उनको कर दिया गया बंद, और जस्टिस के लिए अब अंग्रेजों ने अपने कोर्ट खोल डाले। ठीक है, अपने कोर्ट खोल डाले। द न्यूक्लियस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस ऑलरेडी एग्जिस्टेड विद द कंपनी एज इट हैड एन आर्मी कलेक्टेड टैक्सेस एंड इंपार्टेड जस्टिस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपैरेटस ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन कंपनी एज इट हैड आर्मी कलेक्टेड। अब जैसे ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन अपैरेटस तो उसके पास पहले से थे, क्यों क्यों थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी तो पहले ही कर रखी थी, और अब जस्टिस के लिए भी घुस गए। अब इनिशियली द ओल्ड सिस्टम वाज ओनली एक्सटेंडेड, बट बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी ब्रिटिश प्रिंसिपल्स हैड परमिटेड डीप। अब जो पहले के इंस्टीट्यूशंस थे वो सिर्फ नाम के लिए रह गए थे, मतलब एक्सटेंडेड हो रह गए वो, ठीक, वो रह गए एक्सटेंडेड, लेकिन ब्रिटिश प्रिंसिपल्स थे उनको परमिट किया गया। वन ऑफ सच प्रिंसिपल वाज सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इनमें के एक था कि जुडिशियरी को, एक था कि जुडिशियरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग करना। ठीक है,
एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को अलग अलग करना, ये एक मेन था इनका। एंड अगर हम बात करें सिविल कोर्ट्स को सेटअप किया गया, प्रिसाइज्ड ओवर द जजेस प्रूव्ड 2 लाख केसेस पर ईयर बीइंग रजिस्टर्ड, ठीक है, 2 लाख केस ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अर्ली 19th सेंचुरी में रजिस्टर हुए। द पुलिस सिस्टम टुक शेप अंडर कॉर्नवालिस, अब पुलिस सिस्टम किसके अंडर आया, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में आया। रिलायंस ऑन इंडियन मैन टू सर्विसेज कंटिन्यूड, ठीक है, इंडियन मैन के ऊपर सर्विस थी वो कंटिन्यू की गई, बट ऑन डिफरेंट टर्म्स, बोथ द नवाब्स एंड हिज सबॉर्डिनेट लॉस्ट पावर्स, अब नवाब और उसके जो सबॉर्डिनेट थे उन सब की पावर्स छूट गई और कंपनी बिकेम द सुप्रीम अथॉरिटी, और कंपनी क्या बन गई, सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। अब द पावरफुल स्टेट्स अपैरेटस क्रिएटेड बाय इंटेंडेड टू एनफोर्स ओबीडियंस ऑफ सब्जेक्ट्स, अब पावरफुल स्टेट अपैरेटस को एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो भी लॉ निकलेगा उसको क्या किया जाए, उसको एनफोर्स किया जाए, क्या किया जाए, उसको एनफोर्स किया जाए। कंटिन्यूटीज विद अर्लियर प्रैक्टिस एग्जिस्टेड बट द चेंजेस इन द वे ऑफ पीपल वर रूल्ड बाय फंडामेंटल्स, ठीक है, चेंज वाज नॉट इमीडिएटली विजिबल, अभी जो चेंज था वो एकदम इमीडिएटली अगर हम देखें तो इमीडिएटली इतना विजिबल तो था नहीं, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसीजर्स वर डेराइव्ड फ्रॉम वैराइड ट्रेडिशनल मुगल प्रैक्टिसेस, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू का जो सिस्टम था, ठीक है, अब रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने तो मेनली अगर हम देखें तो वो ट्रेडिशनल था और मुगल्स का जो भी था रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वहां से उन्होंने लिया, ठीक। देन आगे अगर हम बात करें बट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज मार्क द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिजीनियस पॉलिटिकल सिस्टम बाय द इंपीरियल सिस्टम सबवर्जियन टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल का एस्टैब्लिशमेंट ब्रिटिश में हुआ उससे सिर्फ फायदा किसका हुआ, अंग्रेजों का ही हुआ, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, और जो मुगल्स का जो शासन चल रहा था वो बेचारा खत्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्लेस कर, इंडिजीनियस पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्लेस करके एक इंपीरियल सिस्टम आ गया, ठीक। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर हो गया हमारा एंड, और आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, आप अगर बताएंगे तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अब अगर आगे आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर मुझे 148 वीडियोस बनाने का क्या फायदा होगा, जब किसी को देखना ही नहीं है, ठीक, तो फिर क्या फायदा है, ओके। तो दोस्तों आपको ये करना है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको एक और चीज करनी है वो ये पीडीएफ अब अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ के पाने के लिए आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम इंस्टॉल, टेलीग्राम पर आप जाकर के सेम फ्यूचर टू यू एकेडमी, ठीक है, फ्यूचर टू यू एकेडमी सर्च करेंगे आप, ठीक है, फ्यूचर टू यू अकेडमी आप सर्च करेंगे, वहीं पर जो फोटो यहां लगी हुई है वही फोटो वहां लगी हुई है, तो आप उसको जाकर के आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां इसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको रोज डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, वो कैब मिलती है, तो आपका काफी फायदा होने वाला है वहां पर। तो दोस्तों आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।